असलकुम डयर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी नाउ दिस इज़ लेक्चर नंबर फोर ऑफ चैप्टर नंबर नाइनटीन न्यूक्लियर फिजिक्स विच इज़ इंक्लूडेन योर फाइनल टर्म्स दिस इज़ द एक्सप्लेशन ऑफ नुमेरिकल्स बेटा ये नुमेरिकल्स आपको एक्चुअली आप अपना अपने रजिस्टर में अपना टाइटल पेज बनाएँगे चैप्टर नंबर नाइनटीन का दैन आपको बेटा ये नुमेरिकल्स करने भी हैं और आ, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन अब देने जा रही हूँ ठीक है लेट्स स्टार्ट विथ नुमेरिकल नंबर वन नुमेरिकल नंबर नाइनटीन पॉइंट वन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स नाइन न्यूट्रॉन्स ठीक है न्यूट्रॉन्स जो हैं नाइन हैं न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन में ठीक हमें इसका चार्ज नंबर मालूम करना है फाइंड इट्स चार्ज नंबर इफ़ इट्स मास नंबर इज़ सिक्सटीन तो डाटा क्या होगा आपको मास नंबर दिया हुआ है नाइट्रोजन का और वो आपको पता है एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं तो मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू सिक्सटीन आपको सिक्सटीन दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं एन जो है वो नाइन दिए हुए हैं तो रिक्वायरमेंट आपको क्या है आपको चार्ज नंबर मालूम करना है चार्ज नंबर का मतलब है आपको Z मालूम करना है यानी एटॉमिक नंबर मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या होगा आप इससे पहले ये ऐसे नोमरिकल्स चैप्टर नंबर थ्री केमिस्ट्री में कर चुके हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने थे तो ये वही समझें नोमेरिकल है तो इज इक्वल टू जेड प्लस एन फॉर्मूला यूज़ होगा और सोल्यूशन इसका क्या होगा ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन और आपको चार्ज नंबर मालूम करना है तो Z इज़ इक्वल टू ए माइनस एन यानी अगर आपको A गिवन है यानी सिक्सटीन में से अगर आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नाइन माइनस कर देंगे तो आपको एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर मिल जाएगा तो द चार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ फाउंड टू बी सेवन ठीक आपने रिजल्ट लिख लिया अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर नाइनटीन पॉइंट टू पे द मास ऑफ़ कार्बन सिक्स एटॉमिक नंबर और ट्वेल्व उसका एटॉमिक मास है कार्बन न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी लेस देन इट्स कॉन्स्टिट्यूंट सही यानी उसका जो भी वेट uh, है उस uh, उसमें इतना सा बहुत कम है ठीक है तो आपको कैलकुलेट करना है जो भी एनर्जी रिलीज हुई है तो आप क्या करेंगे डाटा बनाएंगे आपको दिया हुआ है मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है न्यूक्लियस का तो मास आपने लिख दिया जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ़ लाइट क्या होते हैं सी इज़ इक्ल टू मैंने आपको बताया था थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड आपको रिक्वायर क्या है एनर्जी रिलीज आपको मालूम करनी तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा आपको मैंने लेक्चर नंबर टू में बताया था कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप तो फॉर्मूला क्या था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो आपने क्या किया आपको गिवन ये सारी चीज़ें हैं आपको एनर्जी रिलीज़ मालूम करनी है तो आप सोल्यूशन में क्या करेंगे कि रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ लिखेंगे मास की और C का स्क्वायर है तो थ्री इंटू टेन ईर्स टू पावर एट को स्क्वायर कर देंगे और इसकी कैलकुलेशन क्या होगी जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री नाइन और टेन uh, के ऊपर एट है तो एट टू जिक्सटीन तो टेन की पावर हो गई सिक्सटीन अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा आपका एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट फोर सेवन सिक्स इंटू टेन रिज टू पावर माइनस इलेवन जूल तो आपकी एनर्जी जो रिलीज हुई वन पॉइंट फोर सेवन सिक्स इंटू टेन रिस्ट टू पावर इलेवन जूल होगी अब आते हैं हम बेटा नुमेरिकल नंबर नाइन्टीन पॉइंट थ्री हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज वैन फिफ्टीन ग्राम ऑफ़ मास इज कम्पलीटली ट्रांसफर टू द एनर्जी यानी आपसे बोला जा रहा है कि आपको एनर्जी मालूम करनी है कि जबकि जो सब्सटेंस है उसका मास फिफ्टीन ग्राम है तो 15 ग्राम है तो आपको उसको कन के जी में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपके पास 0.015 पॉइंट में ये मास कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सी इज़ इक्ल टू थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और आपको एनर्जी रिलीज़ मालूम करनी है फॉमूला वही आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप वाली इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही फॉर्मूला यूज़ होगा अब आप सोल्यूशन में रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ डालेंगे मास आपको ज़ीरो पॉइंट जीरो वन फाइव जो आपने के जी में कन्वर्ट कर दिया था और सी पे स्क्वायर है तो थ्री इंटू टेन टू पावर एट का स्क्वायर हो जाएगा तो जीरो पॉइंट ज़ीरो वन फाइव इंटू थ्री थ्री नाइन इंटू टेन की पावर सिक्सटीन हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है बेटा कि 0.015 को मल्टीप्लाई कर देना है नाइन से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.135 अब ये जो पॉइंट है उसको आप आ, जो आ, इसको हम शिफ्ट करेंगे वन के बाद तो 1.35 पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस वन ज़ाहिर पॉइंट शिफ्ट हुआ है एक के बाद एक डिजिट के बाद तो माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी टेन की तो वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर सिक्सटीन जो पहले से मौजूद थी अब जाहिर है बेसिस सेम है यानी टेन की तो इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर एक सिक्सटीन में से वन माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस का सिक्सटीन है और माइनस का वन है तो वो फिफ्टीन हो जाएगा जूल तो एनर्जी जो हमारे पास आई 1.35 पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस प्लस एनर्जी विल बी रिलीज होगी अब आते हैं नोमेरिकल नंबर 19.4 पे रेडियम हैज हाफ लाइफ ऑफ 1600 हंड्रेड ईयर यानी रेडियम एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ होती है 1600 हंड्रेड हमारे पास कितना रेडियम बचेगा जब 4800 इयर्स ईयर्स गुजर जाएंगे 4800 इयर्स गुजर जाएंगे तो uh, 60 ग्राम्स आपके पास सिर्फ रेडियम है और 4800 इयर्स ईयर्स के बाद आपके पास कितना रेडियम बचेगा ये हमें मालूम करना है तो हमारे पास मास ऑफ़ रेडियम है 60 ग्राम्स ठीक है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम है 1600 हंड्रेड ईयर ठीक और हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ईयर्स है ठीक है तो हमें मालूम करना है कितना फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ईयर्स के बाद कितना मास रह जाएगा रेडियम का तो फॉर्मूला क्या होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ मालूम करने के लिए टोटल जो पीरियड गुजरा है टाइम पीरियड गुजरा है और उसको डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट की हाफ़ लाइफ से तो सोलूशन में हमने सबसे पहले हाफ़ लाइफ निकाल ली तो फोर फोट फोर थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइडेड बाय हाफ़ लाइफ है इसकी सिक्सटीन हंड्रेड तो डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटीन और सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट होता है तो नंबर ऑफ हाफ़ लाइफ आपकी क्या आ गई थ्री हाफ़ लाइफ्स आ गई अब आपको पता है कि इस एलिमेंट की थ्री हाफ लाइफ है तो आप हाफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ़ लाइफ तो वन बाय टू हाफ होता है ना मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी सिक्सटी ग्राम था तो सिक्सटी uh, मतलब टू टू अपॉन में है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप टू को सिक्सटी uh, को डिवाइड कर देंगे टू से तो थर्टी ग्राम्स आ जाएगा फर्स्ट हाफ़ लाइफ में थर्टी ग्राम्स बच गया रेडियम अब आप सेकेंड हाफ़ लाइफ है तो सेकेंड हाफ़ लाइफ भी जाहिर है हाफ़ से डिवाइड कर देंगे तो थर्टी ग्राम फर्स्ट हाफ़ लाइफ के बाद बचा था तो अब थर्टी को डिवाइड कर देंगे टू से तो फिफ्टीन ग्राम्स आ जाएगा अब फिफ्टीन ग्राम्स दो हाफ लाइफ के बाद गुजर गया और आपके पास आपको पता है कि इसकी जो टोटल हाफ़ लाइफ्स होती हैं वो थ्री होती हैं तो थ्री हाफ़ लाइफ में अब आपके पास फिफ्टीन ग्राम है तो आप फिर आप थर्ड हाफ लाइफ में हाफ से डिवाइड कर देंगे तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू सेवन पॉइंट फाइव ग्राम्स बचेगा यानी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ईयर्स के बाद जो आपके पास रेडियम बचेगा वो सेवन पॉइंट फाइव ग्राम्स रेडियम वुड बी लेफ्ट ठीक अब हम आते हैं बेटा इसी तरीके का एक नमेरिकल है नाइनटीन पॉइंट फाइव हाफ़ लाइफ ऑफ रेडॉन बताया है इन्होंने कि 3.82 डेज़ है अब वो ईयर्स में था यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई इसकी तो डेज में होती है तो हाउ मच ऑफ अ अंड्रेड ग्राम सैम्पल ऑफ रेडॉन वुड बी लेफ्ट आफ्टर 3.64 डेज ठीक है अब ये ग्राम्स में है ठीक है ना तो अब कितना कितना ग्राम Uh, जो है रेडॉन लेफ्ट होगा जब सेवन पॉइंट सिक्स फोर डेज़ के बाद तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो डाटा आपने बना लिया कि भाई मास ऑफ रेडॉन हंड्रेड ग्राम्स है हाफ लाइफ रेडॉन की जो है वो थ्री पॉइंट एट टू डेज़ है और टोटल पीरियड सेवन पॉइंट सिक्स फोर डेज़ है तो हमें क्या मालूम करना है रिक्वायरमेंट क्या है हमारी मास रिमेनिंग आफ्टर सेवन पॉइंट सिक्स फोर डेज़ तो कोई वही फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ पहले आप मालूम करेंगे टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय हाफ़ लाइफ तो टोटल पीरियड आपके पास क्या है सेवन पॉइंट सिक्स फोर सेवन पॉइंट सिक्स फोर और आपके पास हाफ़ लाइफ उस एलिमेंट की कितनी है थ्री पॉइंट एट टू आपने डिवाइड किया आपके पास नंबर ऑफ हाफ़ लाइव आ गई टू हाफ़ लाइव्स ठीक है ना टू हाफ़ लाइव्स आ गई अब आपने क्या किया बेटा कि उस जो इससे पहले वाला नोमेरिकल किया था उसमें थ्री हाफ लाइव लाइव्स आई थी यहाँ पे कितनी आ गई टू हाफ लाइव्स आई तो आपने क्या करना है दो दफ़ा आप डिवाइड करना है रेडॉन को तो रेडॉन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्योंकि हंड्रेड ग्राम था फर्स्ट में तो आपने टू से डिवाइड कर लिया हंड्रेड को तो फिफ्टी ग्राम्स अब आपको पता है कि इस एलिमेंट की टू हाफ़ लाइफ हैं तो आपको एक दफ़ा और मालूम करना होगा तो रेडॉन लेफ़्ट आफ्टर सेकेंड हाफ़ लाइफ वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय फिफ़्टी क्योंकि आपके पास अब फिफ्टी ग्राम्स हैं तो फिफ्टी को डिवाइड कर देंगे टू से तो ट्वेंटी फ़ाइव ग्राम्स आ जाएगा तो सेवन पॉइंट सिक्स फोर डेज़ के बाद ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ऑफ रेडॉन वुड बी लेफ़्ट ठीक है बेटा आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे ये आपको नुमेरिकल्स करने हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है मींस आपको ये अपने रजिस्टर में टाइटल पेज बनाने के बाद आपको हेडिंग लगानी है नुमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर नाइनटीन और फिर उसके बाद आपको ये फाइव नुमेरिकल्स करने हैं आपके ये इंक्लूड है एग्ज़ाम में और ये ज़रूर आएंगे तो इनकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लीजिए ठीक है और दूसरा चीज़ ये कि आपको ये नुमेरिकल्स रजिस्टर में करने हैं क्वेश्चन आंसर्स आपको रजिस्टर में नहीं करने ये नुमेरिकल्स करने हैं और दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट हमारा जो पी आएगा वो आएगा एम का तो एम में बेटा आपको इन नुमेरिकल्स के बाद एम करने हैं अपने रजिस्टर में और इन श वो आपका जो फाइनल टर्म होगा उसमें एम आएंगे और नमेरिकल्स आएंगे तो आपको वो सॉल्व करना है और आपको एम के आंसर गिवन होंगे किसमें लास्ट ऑफ द मतलब लास्ट पेज पर आपको उसके आंसर्स भी गिवन होंगे ठीक है तो आपको ये अपने एम सी क्यू सॉल्व करने हैं अपनी रजिस्टर में और ये चेक करवाना है रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को ठीक है थैंक यू सो वेरी मच दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर फोर थैंक यू बेटा